नमस्कार, मैं अभिषेक पाल और आज हम मौजूद हैं नोएडा फिल्म सिटी के मारवा स्टूडियो में। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का आयोजन चल रहा है और यहाँ आज इसका दूसरा दिन है। और पहले दिन भी जैसे डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग वर्कशॉप्स हमने देखे, तो वैसे ही आज भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग चल रही है। तो देरी ना करते हुए हम ले चलते हैं आपको उस जगह जहाँ इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग चल रही है। जर्नलिज्म फेस्टिवल के दौरान दूसरे दिन भी यहाँ कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। स्टोन डोंट मूव अलोन नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई जो कि चिली के राजनीतिक संघर्षों पर आधारित थी। डॉक्यूमेंट्री काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी इंस्पायरिंग थी। मतलब उसमें जो भी इवेंट्स हो रहे थे, इंसिडेंट्स हो रहे थे जो और रशियन कॉमराडे इन सब के बेसिस पर था ये डॉक्यूमेंट्री। और हम आगे फर्दर एक्सपेक्ट करते हैं कि आफ्ट वालों से कि ऐसी ही अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग है वो हमें दिखाते रहे और हमें एजुकेट करते रहे। वहीं इस अवसर पर दिखाई गई एक और डॉक्यूमेंट्री जो कि किर्गिस्तान की संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत बताती थी। वहां के अद्भुत व मनमोहक दृश्य फिल्म में बेहतरीन तरीके से दर्शाए गए हैं। बर्फीली पहाड़ी व ऊंची चोटियों के दृश्य काफ़ी आकर्षक लग रहे थे। इसमें दिखाई गई संपूर्ण यात्रा को देखकर किसी भी व्यक्ति का वहां पर जाकर घूमने का मन करने लगेगा। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से संस्थान के छात्रों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये था ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का दूसरा दिन जहां बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रीनिंग हुई। तो ऐसे ही आखिरी दिन की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन श्रद्धा के साथ मैं अभिषेक पाल, आफ्ट न्यूज़।